এই কাবাডিটা আজব খেলা। এখানে মানে ধরো তুমি মানে অন্য অন্য টিমের ইয়ের মধ্যে চলে গেলে, মানে কোর্টটায় চলে গেলে, আর সেখানে সবাই মিলে তোমায় জাপটে ধরলো, আর তারপর যখন তুমি আর প্রাণপণে নিজেকে ছাড়বার চেষ্টা করছো, তখন সবাই মিলে গাইবে। না হলে হেরে যাবো তো, ছেড়ে দিলে। আমি সৃজন নিয়েছি কলকাতা রাইট হিয়ার 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম, আর আমার সঙ্গে ফোন লাইনে অনিমেশ চলে এসেছে। অনিমেশ ইজ অ্যাট নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, যেখানে বেঙ্গল ওয়ারিয়ার্স আছে এবং সেখানে নিজের আস্ফালন দেখাচ্ছে, নিজের পেশি শক্তি প্রদর্শন করছে অনলি অন প্রো কাবাডি লীগ সিজন 4। ওভার টু ইউ অনিমেশ। और बता दो की बस थोड़ी देर में हमारी टीम यानी कि बंगाल वॉरियर्स की टीम भिड़ने वाली है पिंक पैंथर्स के साथ, और बहुत ही अच्छा ये मैच होने वाला है। इस वक्त स्टेडियम की बातें करें तो जैम पैक यहाँ पे इस वक्त ऑडियंस जो है वो नजर आ रही है, और हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन बंगाल वॉरियर्स टीम के कप्तान नन अदर देन नीलेश शिंदे, उनके साथ हमारी बातें होने वाली, साथ ही साथ कोच प्रताप शेट्टी भी है, उन दोनों के साथ हमारी बातें होने वाली है। एक बार फिर से आपके साथ बातें हो रही है, जानना चाहूंगा थोड़ी सी ऑडियंस की अगर हम बातें करें, थोड़ी सी कहीं पे कुछ चूक रह जा रही है, लेकिन आज का मैच हम ही जीतने वाले, कुछ कहना चाहेंगे सर? अच्छी तरीके से तैयारी की है हम लोगों ने, लास्ट के जो मैच हार गए वो थोड़ी हमारी ही गलती थी, लेकिन इस मैच में हम लोग प्रॉपरली सभी सिचुएशन बना के सभी स्ट्रेटेजी बना के आए, तो ऑडियंस ने हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की ही हमें गरज है, वही हमारे लिए बहुत अच्छा लव साबित होने वाला है, तो आप हमें अच्छी तरह से चेयर अप किए, हम लोग भी हमारा 101% देने की कोशिश करेंगे। नीलेश के साथ और भी बातें होगी, लेकिन प्रताप सर भी है, उनके साथ भी बातें होंगी। प्रताप सर, मैं जानना चाहूंगा तीन मैच जो है अभी आने वाले, तीन मैचेस हमें जीतने ही होंगे, ये अगर नहीं हो पाता है तो ये इस बार से हम बाहर हो जाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे सर? हम आगे आने वाले सभी मैचेस जीतने हैं, और इस मैच हम पूरी तरह तैयारी में है, और ये मैच हम जीतेंगे, हमारी पूरी कोशिश है, हर तरह से तैयार। ओके, आज कुछ टीम में चेंजेस कुछ आई? टीम जो पहले के लास्ट मैच थी पुणे के साथ जो 7-7 है, वही टीम खेल रही है, और हमने पूरी तैयारी अच्छी तरह से की है, और सभी लोगों को अपने लोगों जो भी है उन्हें बता दिया गया है, और अच्छी तरह से खेलेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाले, नीलेश एक बार फिर से आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त फैंस सब पे, उन सभी से कुछ कहते आइए, कोलकाता जो है पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है वॉरियर्स को। हम लोग हमारे होम लीग पे खेल रहे हैं, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है, आप अच्छी तरह से हमें चेयर अप कीजिए, हमें बैटिंग कीजिए, हम लोग हमारा 100% देने की कोशिश करेंगे, और सभी मैच जीतने की हम लोग 100% कोशिश करेंगे। बिल्कुल, से जाते जाते पिंक पैंथर कितना टफ होगा? सभी टीमें अच्छी, पिंक पैंथर अच्छी है, मैंने पहले भी कहा कि सभी टीम वेल बैलेंस है, इसलिए कोई टीम को कम आंकना गलत है, इसलिए मैच अच्छी होगी और दोनों टीम अच्छी है, ऐसा ही मैच अच्छी होगी, जीत जो है हमें ही हासिल होगी, यानी कि बंगाल वॉरियर्स को ही होने वाली। थैंक यू सो मच नीलेश हमारे साथ बातें करने के, थैंक यू सो मच प्रताप सर हमारे साथ बातें करने के लिए, बंगाल वॉरियर्स टीम के कप्तान और कोच हमारे साथ थे, बिल्कुल लाइव बातें कर रहे थे 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। थोड़ी देर में नेताजी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने वाला है बंगाल वॉरियर्स वर्सेज पिंक पैंथर, बंगाल वॉरियर्स टीम के रेडियो पार्टनर है 91.9 फ्रेंड्स एफएम, आदागान टोटल फन। Well, that was it. Thank you so much, Animesh, for the update from the Netaji Indoor Stadium. And a short break, taro pare pherot aschi. Stay tuned. 91.9.